हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हम आज बताएंगे यूएसबी डाटा केबल के बारे में। आप देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा केबल है, तो एक तरफ तो आपके चार्जर में लगता है या फिर कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, और एक तरफ सिरा होता है आपके मोबाइल में कनेक्ट करने का। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक तरफ हम लोग कट किए हैं, जिस तरफ ओटीपी रहता है जो मोबाइल में लगता है, उस तरफ कट करने के बाद देखेंगे कि चार केबल सामने आता है, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर। दोस्तों, हर केबल में ज़रूरी नहीं है कि ये चार कलर कोडिंग ही रहे, अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक और डेटा केबल है, देख पा रहे हैं आप लोग, जिसको एक तरफ से एक मोबाइल कनेक्ट होगा और एक तरफ से कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट हो सके, इसको एक तरफ मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। इस डेटा केबल में मोबाइल चार्ज भी हो सकता है, डेटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसमें अंदर में चार वायर्स होती हैं। आइए मल्टीमीटर के माध्यम से आपको बताते हैं। पहले मल्टीमीटर को हम 20 के वोल्ट डीसी के रेंज में सेट करते हैं। हम एक और डेटा केबल दिखलाते हैं, देखिए। एक और डेटा केबल है जिसमें सिर्फ दो ही केबल है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आप जैसे ये सिर्फ चार्ज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें एक ग्राउंड है और एक VCC 5 वोल्ट, सिर्फ दो ही इसमें केबल रहेंगे। और एक डेटा केबल है हमारे पास जिसमें चार वायर होती है और इसमें डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए, हम लोग चार्जर से कनेक्ट कर दिए हैं और एक तरफ ये चार केबल हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन ग्राउंड है, कौन VCC है और कौन डेटा प्लस है, कौन डेटा माइनस है। देखिए, अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी करेंगे और ये ब्लैक प्रॉप रखे हम ब्लू कलर में और रेड प्रॉप रखें रेड कलर में। तो देखिए, 5 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है मल्टीमीटर में। दोस्तों, ये देखिए 5.49, ये 5 वोल्ट ही है, मान के चलिए 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि रेड कलर जो है VCC 5 वोल्ट आ रहा है और ये ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, ये ब्लैक प्रॉप को हम ब्लू में रखें और रेड प्रॉप को रेड में। अब हमारे मल्टीमीटर में 5 वोल्ट शो करता है। देखिए, हमारे पास एक दोस्तों USB को एक पेपर के माध्यम से बताते हैं, जिसमें डेटा प्लस 1 पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 डेटा माइनस, पिन नंबर 3 डेटा प्लस और 4 नंबर पिन ग्राउंड का है। डेटा प्लस और डेटा माइनस कौन सा है, यह जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड, इन दोनों पिन के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं। हमें पता है कि ब्लू कलर ग्राउंड है और रेड कलर VCC 5 वोल्ट है, तो इसमें फर्स्ट नंबर आपका प्लस है जो VCC 5 वोल्ट है, जो हम इसमें लिख देते हैं रेड कलर। ठीक है दोस्तों, और चार नंबर पिन है ग्राउंड जो ब्लू कलर है। ठीक है दोस्तों, हमेशा आप देखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर पिन, जैसे आप अगर चाहे तो USB कनेक्ट भी रहेगा तो किसी भी बोर्ड में, या फिर आपके पास और कुछ चेक करने का माध्यम हो जैसे मल्टीमीटर है, इससे आप पहले ग्राउंड और VCC 5 वोल्ट पहले टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद डेटा माइनस डेटा प्लस। दोस्तों, USB डेटा केबल से आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड कौन सी है। अगर VCC 5 वोल्ट की जगह ग्राउंड डाल दिए और ग्राउंड की जगह VCC 5 वोल्ट डाल दिए, तो आप जैसे भी कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे आपका कंप्यूटर का बोर्ड खराब हो जाएगा, या फिर आप चार्जर इसको हम कंटिन्यूटी करेंगे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेटा प्लस और डेटा माइनस के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास एक USB पोर्ट है जो मदरबोर्ड में रहता है, उसको निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी में हमेशा अगर जुड़ा रहेगा कोई भी तार तो वो बीप साउंड जरूर देगी। देखिए, इसमें बीप साउंड दिए, ये मतलब हमारा ग्राउंड है और ये VCC 5 वोल्ट जो रेड कलर में कंटिन्यूटी देगी। रेड कलर टेस्ट करेंगे, देखिए दोस्तों 0.04 आया, मतलब समझो वो 0.00 भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये 0.04 दिया इसमें आवाज़, जो बीप साउंड आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हम देख रहे हैं VCC 5 वोल्ट के साइड में है और उस सेकेंड नंबर पिन, और ये जो है अपने वाइट कलर से कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप साउंड दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे VCC 5 वोल्ट के जस्ट सेकेंड नंबर पिन में होता है डेटा माइनस, ये डेटा माइनस का है वाइट कलर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ध्यान से देखिए, सेकेंड नंबर पिन VCC 5 वोल्ट के जो हमारे रेड कलर से जुड़ा हुआ था उसके जस्ट साइड वाला है। अब हम लोग देखेंगे डेटा प्लस का, तो थर्ड नंबर पिन,
जो ग्रीन कलर से कंटिन्यूटी दिखला रहे हैं। इसमें भी बीप साउंड आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे डेटा, फर्स्ट नंबर पिन VCC 5 वोल्ट, सेकंड नंबर पिन वाइट कलर है जो डेटा माइनस का है, और थर्ड नंबर पिन ग्रीन कलर जो डेटा प्लस का है, फोर्थ नंबर पिन आप पहले ही जान चुके हैं ब्लू कलर जो ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, देखिए रेड कलर, ये हमारा पहला नंबर पिन है VCC 5 वोल्ट। देखिए चार केबल्स हैं इसमें, वाइट, ब्लू, ग्रीन और रेड। यह वाइट कलर जो है, वाइट केबल डेटा माइनस का है। ठीक है दोस्तों, और एक बार और पहले बता देना चाहता हूँ कि हर केबल में सेम कलर नहीं होगा, अलग अलग होगा। उसको आपको चेक करना है कि कौन डेटा प्लस है, डेटा माइनस है, कौन VCC 5 वोल्ट है और कौन ग्राउंड है। अगर आपका VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड मिस्टेक हो गया तो समझो आप कोई भी चीज़ काम कर रहे होंगे वो शॉर्ट कर देगा। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, दोस्तों आगे दिखाएंगे हम एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, छोटा सा है, देखते रहिए वीडियो में, लग रही है लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए हम एक वेब कैम बनाए हैं इसी डेटा केबल के माध्यम से, इसमें भी चार केबल्स होंगे हैं। देखिए इसमें चार केबल्स ही हैं और OTG तरफ कट किया है, उसी को हम कैमरा में कनेक्ट किए हैं। देख लिए दोस्तों, आगे और दिखलाएंगे हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करके कंप्यूटर में, देखते रहिए। इसी तरह आप भी कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो 5 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट से जो चलने वाली फ़ैन हो या और कुछ भी। देखिए आगे देखिए, हम आप इसको PC में कनेक्ट कर दिए हैं, ये कैमरा हमारा रखा हुआ है। दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वीडियो व्यू करके, उसको हम कनेक्ट किए। देखिए ये हमारा कैमरा ऑन हो चुका है, देख लीजिए कैमरा मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर। दोस्तों वीडियो समझ नहीं आया तो बार बार देखिए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों कैमरा काम कर रहा है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हर डेटा केबल में सेम कलर कोडिंग नहीं हो सकता। रेड है मतलब ज़रूरी नहीं है कि VCC 5 वोल्ट हो, ब्लैक है मतलब ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड हो, मतलब उसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप कलर कोडिंग, कलर देख करके आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि VCC है और ये ग्राउंड है, ये डेटा प्लस है, डेटा माइनस है। ठीक है दोस्तों, उसको आपको वोल्टेज मल्टीमीटर के थ्रू टेस्ट करना ही पड़ेगा। चाहे कई ऐसे केबल आते हैं जिसमें रेड ग्राउंड भी हो सकता है, ब्लैक पॉजिटिव VCC हो सकता है, डेटा माइनस कोई भी कलर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के माध्यम से, जिससे आपका प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी चार केबल्स हैं और जो कैमरे से कनेक्ट हैं आप, और देख सकते हैं ध्यान से ये कैमरा कैसा है। घर में भी बना सकते हैं इसको, अगर आपके पास भी कोई स्क्रैप लैपटॉप है, वेबकैम जिसमें लगा हो, और कई ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन सकता है USB के माध्यम से। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे इसी तरह के भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।